गणी नहीं ने तो 2000 भैंस 20-20 किलो के हत्था में कट रखी है। सच्चाई का कारण ने 1 करोड़ का फूक मार रखी है। HLD रिकॉर्ड तो है इसका 26,760 का, छठे गैलेट व्यत का है भाई इसका 26 किलो 173 ग्राम दूध में। तो भाई साहब गणी अखर भैंस है भाई भोपाली। हाँ जी गा तो बैरी को भी सराई है, ठीक है, लेकिन उसने बोली मार दी भाई, बोली भाई साहब नीले छो यहाँ दूध ना तुल्या करे, ठीक भाई साहब है। हमने 20 दिन की ब्याई को 26,760 दूध तो लिया अगले ब्याह में, 28 किलो दूध दे दे है तो बोस्टिंग ला दे 38 पे चली जाएगी माँ, ये बोस्टिंग वाला फिर कटे जाऊंगा भाई। इतना है भाई। हाँ जी किसे भाई न्यू के दिन ये सौदो खुआ दे। हाँ जी भाई की जिम्मेवारी है, बाकी भैंस जानर वो सौदो जान खुआ जाऊंगा, पता है दिन किसे भाई ने प्यारा आदमी ने चौटाला नहीं खुआ दे। हाँ जी भाई खुआ दियो भाई, 5-5 किलो मेथी भी छूट दिया बिल्कुल भाई साहब। फिर भैंस मरक जी इस बात की कोई बात यानी तुम घर दर्द को नहीं फलान को नहीं, मेरे ख्याल में कोई घर को नहीं बच रहे जिसमें दुनर युवराज ना घुस रहा हूँ बिल्कुल, लोग दर्दा बड़दा चाहे किमे कही जाओ बिल्कुल भाई साहब। घर गैल बल एक बच्चा तो पक्को पागो चाहे मालिक ने ना भेरो अर्जुन को युवराज को, अर्जुन और युवराज का हाँ सुनो रपियो दिल्ली आनी जानी चीज है बिल्कुल भाई साहब। आदमी ने आपको जमीर नहीं दिखाना चाहिए बिल्कुल, सच्ची बताई भैंस बेचो। हाँ जी भैंस एक बार बेच लेगा। हाँ जी भाई साहब सच बोलगी, ठीक है जी दूसरी फिर बिल्कुल भाई साहब। अरे बंद करा के 6 साल होगी भैंस सड़ा गरीब कौन था अभी बपूर का जो जकरो कौन करूँ भैंस ना ना मतलब दुनिया भर का फोन आओ चोटाला को कट्टी दिवा दे कट्ट दिवा दे ले लो भाई दुनिया भरी पड़ी कटड़ाई छोटी छोटी कटड़ियाँ गया ले उठी दिखाओ दुनिया में कोई आदमी को जो कार्टिन देख के नहीं बता दे क्या क्या करेगी कितना दूध देगी कितना दूध देगी कुछ नहीं भेरो क्या कह किया जाएंगे बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूँ जी आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर सभी भाइयों का स्वागत है जी। तो देखिए आज की वीडियो काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद देखिए काफ़ी अच्छी वीडियो शूट होने वाली है आप देख सकते हो। देखिए चारों तरफ हरियाली का जो नज़ारा है वो भी आप देख सकते हो, साथ में जो छोटे कटड़े कटड़ियाँ वो भी आप साथ में देखिए, काफ़ी अच्छा जो व्यू वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छा व्यू बनने वाला है। तो देखिए एक एक डिटेल है वो भाई से लेंगे तो देखिए काफ़ी शानदार शानदार मुर्गा का पशुधन एक से एक जो हरियाणा को मुर्गा की खान बोल लिया गया, तो आप देख सकते हो देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे पशुधन जो फील्ड में एक से एक अच्छा पशुधन निकल के आया। तो देखिए सामने देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे पशुधन के साथ, तो एक एक डिटेल वो भाई से लेंगे देखो सभी पशुधन की एक एक रिपोर्ट और क्या जानकारी है भाई से लेंगे। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। तो भाई जी सबसे पहले तो अपना नाम एड्रेस कन्फर्म करो एक बार भाई। स्टेट हरियाणा जिला भिवानी। ठीक है भाई साहब। गाँव जुई। जुई नाम कल्लू भाई। कल्लू तो देखिए कल्लू भाई जुई से वीडियो शूट कर रहे हैं जी, वो आप देख सकते हो देखिए काफ़ी अच्छे पशुधन। तो कल्लू भाई साहब टोटल पशु अपने पास कितने हैं? 6 हैं भाई। 6 तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताओ भाई साहब। कॉन्टैक्ट नंबर है भाई साहब 83075। हाँ जी भाई साहब। 39464। उसकी छोड़ दो भैंस ना भाई साहब। तो देखिए भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है वो साथ हमें चले हुआ, तो आप देख सकते हो देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी भैंस है ये भैंस आप देख सकते हो। तो भाई साहब सभी पशुधन अपने फिर एक ही भैंस के दारे थे? हाँ भाई इससे के सारे जो ये एक नंबर पे भैंस है। हाँ भाई साहब। तो इसी से स्टार्टिंग करें भाई साहब। हाँ भाई। तो देखिए जो एक नंबर पे ये भैंस आप देख सकते हो जी अभी फिलहाल देखिए मौके पे ड्राई पीरियड में चली हुई है, नीचे से आप थनों में स्पेसिंग की बात करें किसी भी तरीके से। तो अब की बार कौन से ब्यात में है भाई साहब? भाई साहब यहाँ छठे ब्यात में है। अब की बार छठी बार भी आएगी भाई साहब? तो कितने महीने की अपन होगी भाई साहब? भाई ईब हो गया 6.5 महीने ही कल। 6.5 महीने की प्रेगनेंट हो गई है। तो देखिए सर दूध से देरी है ड्राई कर दी भाई साहब? भाई थोड़ा घणो दे है ई मैं कह दियो 20 किलो 8-7 किलो दूध से अभी मौके पे। हाँ। तो इसका ताजी ब्याई का दूध कितना रहा था भाई साहब? भाई ताजी का रहा था इसका HLD रिकॉर्ड तो है इसका 26,760 का। HLD भी रिकॉर्ड कितना? 26 किलो 760 ग्राम का। 760 ग्राम का इस ब्यात का। इसी ब्यात का भाई साहब छठे ब्यात गैलेडा ब्यात का है भाई इसका 26 किलो 173 ग्राम। यानी पांचवें ब्यांत में भी इसने HLD भी रिकॉर्ड कराया। हाँ, और छठे ब्यांत में भाई साहब चौथा में भाई साहब अब की बार छठी बार भी आएगी। अब की बार छठी बार बच्चा देगी भाई चौथे और पांचवा। हाँ। जो दोनों ब्यांत में इसने दूध रिकॉर्ड कराया चौथी बार में दिया 26 किलो 173 ग्राम। ठीक है भाई साहब। और पांचवी बार दिया 26 किलो 760 ग्राम। ठीक है भाई साहब। तो गाँव से तो भाई साहब अपना जो खेतों में मकान है काफी दूर पड़ जाए। हाँ भाई साहब 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर। तो 2-2.5 किलोमीटर भाई का खेतों में मकान है। तो घर पे कितना दूध था भाई साहब? घर पे भाई 28 किलो दूध दी थे। 28 किलो दूध। हाँ। तो देखिए 28 किलो दूध जो घर पे दिया है और भाई ने जो HLDB में भी बताया। हाँ भाई। दो बार जो
इस भैंस ने अपना रिकॉर्ड कराया जी, काफी अच्छा रिकॉर्ड। तो देखिए एक बार यो रिकॉर्ड भाई साहब मैंने हथ हथ कौन काट रखा। हाँ जी भाई, और भाई ने काट रखा, और भाई गाँव के गाँव का मित्र है। तो देखिए भाई ने बिल्कुल एक अच्छी बात बोली कि ये नहीं कि रिकॉर्ड करवाया तो मैंने ही दूध निकाल लिया गाँव में, और साथ रहनी है भाईयों ने दूध की चुवाई कर नुए दूध कटवाया भाई ये भी आ खुली छोड़ के को की मुखवा की कटवाया इसी तरीके से। हाँ, नुए राज्यों की दे। तो देखिए काफी अच्छी बात भाई ने बताई है कि खुले में रह के वो आप देख सकते हो पशु काफी संतुष्ट है। देखिए बिल्कुल आराम से जो हरा चारा का अंदर ले रही है, चेहरा मोरा ही क्वालिटी की बात करें सारी पंचायती जोटा की भाई सभी। हाँ या नीचा ही थी अपने इसका तो बेरा को नहीं। हाँ जी भाई साहब, यही पंचायती की बताई हगलन। ठीक है भाई साहब, इसकी कटड़ी हुआ हुआ पानी पीने जारी हुआ। तो भाई साहब तो अब की बार कौन से बुल से गया बिने ये? अब की बार भाई पंचायती बुलता है, अब की बार फिर पंचायती से। हाँ। तो यानी अपने पास जब से आई है जब इसे पंचायती बुल से। हाँ। प्रेग्नेंट है। सीमन ने मानना कौन भाई, कई बार ट्राई ले ली। ठीक है भाई साहब। हाँ। तो देखिए ये भैंस जी आप देख सकते हो, एक बार चलते टाइम आप भैंस देख पाओगे। देखिए जो भाई ने बताया 26 किलो दूध रिकॉर्ड कराया, लंबाई की बात करें थोड़ा लंबा ले चल भाई साहब। तो देखिए लंबाई की बात करें तो काफ़ी एक्स्ट्रा लंबाई है जी भैंस की। ये देखिए पीछे से काफ़ी शानदार बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, पीठ पुठा ही क्वालिटी की बात करें किसी भी तरीके से काफ़ी शानदार भैंस है। तो इसी भैंस की जो ये कटड़ी भाई ने बताया कि ये पीछे साथ में आई थी भाई साहब। हाँ ये ली थी भाई मैंने जाब थे भैंस जाब ब्रांड थे। हाँ जी भाई साहब। हाँ मेरे ताऊ ने ली थी, मेरे अपा का मामा के छोरे ने। तो ये कटड़ी साथ में आई थी। हाँ या नीचे आई थी भाई, या खार की भी आई थी, 17 किलो दूध दिया था, कटड़ा गया था मेरे। हाँ जी भाई साहब। और वह कटड़ी है ये दूसरे ब्यात की, इब तीसरे ब्याह होगी भाई, ये भी पंचायती था, ये भी पंचायती बुल से गया बिना। तो देखिए जी इसका ब्याने का टाइम कितना भाई साहब अभी? भाई इसका दे ले तो 10 दिन नहीं तो भाई अब तक ब्याह लेगी, गर्मी घनी गर्मी ज्यादा। हाँ बाकी टाइम पूरा हो लिया। तो देखिए जी ये भैंस चेहरा मोरा ही क्वालिटी की बात करें किसी भी तरीके से, देखिए बिल्कुल सेम डिप्टो कॉपी जो अपनी माँ पे, लंबाई इसकी भी काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो नीचे से, जो हफ्ता 7 से 8 दिन भाई ने ब्याने के बताए हैं तो वो आप देख सकते हो। देखिए पूरे शरीर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है बिल्कुल हूबहू जो इसकी माँ सेम उसी पे। तो इसने पहले ब्यांत में कितना दूध बताया कल्लू भाई साहब? भाई 17 किलो दिया कड़ा, 17 किलो दूध पहले ब्यांत में। हाँ। तो दूसरे ब्यांत में भाई साहब? दूसरे ब्यांत में दिया भाई इसने पूरा 22 किलो दूध, 22 किलो दूध दूसरे ब्यांत में दिया। तो अब की बार तीसरी बार भी आएगी भाई? अब की बार तीसरी बार बच्चा देगी भाई। तो अब की बार क्या उम्मीद है भाई साहब? भाई उम्मीद तो गणी है इसते ज्यादा है। हाँ। माँ से ज्यादा है या किस हिसाब से भाई साहब? माँ तो बाद है भाई, माँ से ज्यादा है। हाँ। अब की बार तो देखिए ये जो तीसरे माँ तो थोड़ी ही दाना तो टस्कन लाग जाए या टस्का को नहीं, यानी ये दाना ज्यादा ले लिया। हाँ या दाना ज्यादा ले भाई। तो देखिए काफी अच्छी बात जो भाई ने बताई, काफी शानदार मुर्गा का पशुधन इस आगे तो कितना ही गिरते कड़ा उल्टी को नहीं हटा बिल्कुल भाई साहब। तो देखिए जो कैमरे से दूर हट के काफ़ी अच्छे अच्छे पशुधन जो पशुपालकों ने तैयार किए हैं जो आप देख सकते हो आपके सामने, बिल्कुल देखिए एक अलग ही जो पशु एक ही भैंस से काफ़ी अच्छा जो अपने घर पे खरना तैयार किया है वो आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे पशुधन भाई ने अपने घर पे तैयार करके दिखाए। इस टाइम पर तो कड़ा 2 घंटा तड़के और 2 घंटा सन है मान ले। हाँ जी साडू वाली टेम्प है, ठीक है खुली चराया करूँ क्यों जमीन खाली हो जाए है। हाँ जी उनमें अपने मुँह तक चर लें सभी पशुधन भाई। हाँ तो देखिए सभी पशुधन आराम से खुले में चरते हैं तो वो बिल्कुल अपना रूटीन के हिसाब से आज भी बिल्कुल अपनी पूरी मस्ती में सभी पशुधन आप देख सकते हो। तो भाई साहब ये सेल करोगे फिर अब की बार या सेल का कोई विचार? भाई पैसा लग गया तो करा कड़ा, पैसा लग गया तो सेल कर दोगे? तो देखिए पैसा लगा तो भाई ने बताया ये 2 नंबर वाली भैंस को तो नहीं सेल कर दे भाई साहब? ना भैंस ना कौन करूं भाई, इसी को सेल करोगे फिर? तो रेट वगैरह भाई साहब? रेट मौके पे करूंगा भाई, मौके पे। तो और कौन सा पशुधन है भाई साहब अपने? एक वाह है भाई खर की जो ये जोटी। हाँ। पहले भी आंत की है भाई साहब। हाँ। तो ये देखिए जी ये जोटी आप देख सकते हो, देखिए चेहरा मोरा ही क्वालिटी बिल्कुल रिंग सिंग और ठंडा सांस सुबह वो आप देख सकते हो, देखिए बिल्कुल आराम से जो ये भी जो पंचायती बुल की है भाई साहब। हाँ और धर्मबुल की है, आजाद नगर अपने 2-1 किलोमीटर है धर्मबुल। हाँ। जो संजय भाई चौटाला भाई वाली जोटी थी। हाँ। धर्मा जोटी। हाँ भाई यानी फादर साइड दोनों की एक है। हाँ। तो ये देखिए जी बिल्कुल काफी शानदार पहले ब्यांत की जोटी आप देख सकते हो, देखिए नीचे से जो इसका ब्याने का टाइम कितना बाकी है भाई साहब? भाई दिन पूरा हो लिया कड़ा, इसका भी टाइम पूरा हो गया भाई साहब।
लकड़ी भाई। तो ये सीमन से क्या बिना या बुल से भाई साहब? भैया भी बुलता है पंचायती था लगभग सभी पशुधन भाई साहब अपने। हाँ। मान ले जिस जोटा की होना है उस तक क्रॉस कौन कराऊं? जोटा बदल लूं, बढ़िया जोटा, बढ़िया दूध की लाइन का होना है, यानी बुल चेंज कर लियो फिर। हाँ, बुल चेंज कर लियो भाई। तो देखिए मुंह से कितने दांत है भाई साहब? ये भाई मुंह तो दो दांत है, ये देखिए जी मुंह से क्लियर दो दांत है जी, बिल्कुल भाई साहब मुंह से दो दांत। ब्याने का जो टाइम है भाई ने बताया वो पूरा हो गया, देखिए काफ़ी अच्छे बिल्कुल, जो तीनों एक ही जो दो जोटियां और तीसरी मदर तीनों की जो बॉडी स्ट्रक्चर है तीनों भैंसों का सेम हूबहू सेम बॉडी स्ट्रक्चर है, काफ़ी शानदार पशुधन। खान में या उस तक भी ऊपर है भाई ये, यानी जो दो पहले भैंस दिखाई उनसे भी अच्छी चराई पे ऊपर है भाई। तो देखिए काफ़ी अच्छा पशुधन भाई ने तैयार करके दिखाया, ये आप देख सकते हो दो दांत पहले ब्यांत में खड़ा होने का जो रोब स्टाइल है वो आप देख सकते हो, देखिए काफ़ी शानदार। साइड से मैं आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए थनों में स्पेसिंग की बात करें, यह जो अर्डर क्वालिटी जो पहले ब्यांत की जोटी है ब्याने के बाद लगभग जो एक महीने के लगभग ब्याने के होने के बाद अपने जो अच्छे रूप पर आती है। तो देखिए नीचे से अर्डर वगैरह की क्वालिटी, चेहरा मोरा की क्वालिटी हर तरीके से काफ़ी शानदार आ रही है। तो ये सेल करोगे फिर कल्लू भाई? या भी भाई ये भी सेल कर दोगे? हाँ। तो इसको ब्याने से पहले भी कर दोगे या ब्याने के बाद? देखो भाई जिम तो है ब्याह पछे की, ब्याने के बाद सेल। हाँ, करने अरजय भाई किसे भाई का पेटा भर दो ब्याने तो पहले, तो पहले भी ले जा सकते, तो पहले भी दे दूंगा भाई। तो इसका रेट भाई साहब फिर? इसका भी मौका पर रेट मौका पर होगा भाई सभी का। हाँ। तो देखिए रेट भाई ने सभी पशुधन के बताए कि मौके पर, तो कल्लू भाई साहब इसको छोड़ गए इस साइड आओ। तो जो अपने पशुधन भाई साहब आपने बताया बड्डी भैंस के बारे में, हाँ, कि उसने 26 किलो दूध रिकॉर्ड कराया, तो कितना दाना लेके उसने रिकॉर्ड कराया भाई साहब? भाई देख दाना कड़ा तोल की कौन गिरा, वैसे एस्टीमेट तो भाई साहब कुछ एस्टीमेट तो मेरे वर्गा कुंगर एक और बोलना पड़ता ताशला गिरवाने खातर ठाकी अग, यानी अच्छी चराई पे। हाँ भाई साहब बात करे तो यानी अच्छी चराई पे दूध दिया था। हाँ भाई। तो कोई मेडिसिन वगैरह भी जोन ली दाने दाने? भाई देखे मेडिसिन तो लीवर टॉनिक तो थोड़ा घना दे दें दो दिया। हाँ भाई अब बूझ की नहीं। हाँ कोई बता दें दो दे दें दो नहीं आधी आने तो ऊँ भी लगा लें दो चरा की ना, यानी जो अपनी नॉर्मल चराई पे मान के चले उस पर? हाँ उस पर भरोसा भाई, नॉर्मल पर खुली चरा है ना। हाँ जी भाई साहब। और फिर दाना गेर दी खुली चरा की ना। ठीक है भाई साहब बस सही हो जाए भाई, तो उसी हिसाब से दूध दिया। हाँ भाई। तो देखिए भाई ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, दो पशुधन भाई ने जो बताया कि सेल कर देंगे, जो एक ये भैंस आप देख सकते हो जो दो नंबर पे दिखाई थी तीसरे ब्यांत में खड़ा भैया, तीसरे ब्यांत वाली वह गलड़ी वह खर की ब्याह भाई, जो पीछे वाली है वो फर्स्ट टाइमर है, दोनों जोटियाँ भाई का सेल करने का विचार है। अगर किसी भी भाई को लेनी है तो एक बार और भाई साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। 8705349464 भाई। तो देखिए साथ में भाई के कॉन्टैक्ट नंबर चले हुए हैं, कोई भी भाई। तीन काटड़ी भी है काला ये, ये तीन काटड़ी जो छोटी है वह तो मैं इसकी है, देख मैं सच्ची बताऊं मुर्की दे काट क्यों आंदन वह नुकंदा इसमें साड़ी दे दे यार। हां जी भाई साहब। तो यो सुराख से यार किम वह चाबण भी लगी थी जोटी वाली। ठीक है भाई। यह तो है मैं इसकी भाई, जो ये कटड़ी है ये भैंस की है भाई साहब। हाँ, और यह है भाई वह तीसरी बार बच्चा देगी उसकी यार भाई, ये दूसरे ब्यांत की है भाई साहब। हाँ नीचे तो देख कड़ा भाई। तो ये देखिए जो माथे भी 21 है बिल्कुल भाई साहब, ये जो दो नंबर पे भैंस दिखाई है उसकी, और ये भाई साहब ये भैंस की है भाई, ये भी भैंस की है पिछली बार की, अब की बार की वाह पिछली बार की। तो देखिए ये भी बिल्कुल चेहरा मोरा ही क्वालिटी सिंगो, ये भी पंचायती का ये है भाई देख ले तो। सिमन पर भरोसा कम न्यू है, यानी पंचायती पे काफा। हाँ। सिमन की साहे पाओगा मार्का की साहे पाओगा बिल्कुल भाई साहब। तो इन छोटी कटड़ियों में से भी सेल करोगे? हाँ इनमें भी दे दें भाई कोई पालनिया लेगा तो। तो देखिए तीनों कटड़ियाँ वो आप देख सकते हो जी साथ में, देखिए ये कटड़ी और एक ये कटड़ी, जो ये दो कटड़ी है एक ये वाली जो या तो पिछला बात की है कड़ा भैंस की भाई साहब। हाँ या भैंस की या जोटी की भाई, इसकी तीजन भी आओगी इसकी अरुआ मैं इसकी कड़ी हुआ। और ये हाँ। देखिए जो तीनों कटियाँ कोई भी भाई लेने का इच्छुक है तो भाई से संपर्क कर सकता है, नीचे भाई के साथ में कॉन्टैक्ट नंबर चले हुए हैं। हाँ भाई। तो साथ में जो संजय भाई भी आए उनसे भी जानकारी लेंगे। तो देखिए संजय भाई साहब राम राम। राम भाई साहब और ठीक हो भाई साहब? अपनी धर्म जोटी कैसी है फिर? ठीक है भाई साहब बढ़िया। तो ब्याने का कितना टाइम बाकी है अब की बार भाई साहब? भाई दो महीना 10 दिन रह गया, दो महीने के लगभग। तो देखिए संजय भाई साहब जो संजय उर्फ चटाला के नाम से
काफ़ी फेमस रहे थे भाई, 61 लाख वाली जो दरमा जोटी थी, तो काफ़ी भाई साहब ये अपने घर की है फिर भैंस जो अभी आज कल्लू भाई, ये अपने भाई चाचा लड़को है कल्लू, तो दूध में तो काफ़ी अच्छी रही है भाई साहब। दूध में भाई मैंने एक भैंस की वीडियो बनाई थी 25 अगस्त 2022 में, ठीक है जी, बेचण खातर, ठीक है भाई साहब, उस दिन अजय बिंदल चैनल पर बनवाई थी, ठीक है भाई जी, तो ये कल्लू या ब्याई भैंस थी उस दिन 7 दिन की, ठीक है जी, तो वीडियो मैं दोहरा के बड़े वीडियो बनावा था जी, अपने जोटी नहीं पकड़ा कर कल्लू ही पकड़ कर, ठीक है भाई साहब, तो यो नहीं बोले मेरी का 22 किलो दूध, ठीक है भाई, 9 दिन की 10 दिन की ब्याई का, ठीक है भाई साहब, नौ कल्लू जूठ नहीं बोलिया करें, ठीक है जी, मेरे नस है, हाँ जी, हमने भाई प्लान बना ली मजे आ रहे हैं चल लाई चलवा, ठीक है जी, उस दिन हमने लाई चलवाई थी भाई साहब, देख दिखाया तो दो टाइम को था, ठीक है भाई साहब, 25 किलो दूध बैठे दो टाइम का, हाँ दो टाइम, दो टाइम में भी भाई साहब ऐसे है, देखो एक टाइम खाली करके है, हाँ, एक टाइम वो लगाया कौन खाली आड़ो, और अगला टाइम को लगाया था 12.5 किलो दूध दिया था 7 दिन की ब्याई ने, 9-10 दिन की ब्याई, 9-10 दिन की ब्याई ने, तो देखिए यानी मान के चले तो भाई साहब दूध के मामले में तो काफ़ी अच्छा करना ही है, हाँ, फिर भाई साहब अपने भूप से सोरण जुई में भाई एक अच्छी भैंस भाई दो उसको रिकॉर्ड था 26-340 को, ठीक है जी, तो उस आम इसने गड़बड़ कर दी, हाँ जी, अच्छा डीबी में लगाई 26-173 पर आएगी थी, ठीक है भाई साहब, यो किसी और भाई का संपर्क में तो उसने घी दिवा दी भैंस मारगी 2 किलो डाउन आ गई, हाँ ना वो रिकॉर्ड पहले टूट गई, ठीक है भाई, फिर दूसरे ब्याई ने जिद, चलो गांव को सब भैंस बहुत अच्छी है काला दूध में तो भाई साहब गणी अखर भैंस है भाई भूपाली, हाँ जी, गा तो बैरी को विसराई है, ठीक है, लेकिन उसने बोली मार दी भाई, बोली भाई साहब नीले छोड़ यहाँ दूध ना तुलिया करे, ठीक भाई साहब, हाँ हमने 20 दिन की ब्याई को 2760 दूध तुलिया अगले ब्याह में कर, फिर उसी हिसाब से आपने दोबारा जवाब दिया, तो देखिए काफ़ी अच्छी जो भाई ने जानकारी दी है कि दूध वैसे तो भाई साहब ने बोले कि पिछले ब्यांत में दूध रिकॉर्ड करा दिया था लेकिन दोबारा फिर करवाना पड़ा, हाँ। तो बिल्कुल भाई साहब, तो देखिए काफ़ी अच्छी बात जो भाई ने बताई, दोबारा फिर से दूध रिकॉर्ड कराया, तो देखिए यानी दूध के मामले में तो भाई साहब टॉप की ब्लड लाइन मान, अरे भाई कड़ा सच्ची ईमानदार से बता दूँ कि मैं जाना कौन है, हाँ जी देसी, हाँ कति, ठीक है भाई साहब, लेकिन है यो अपना जंगल है इसमें खबात कर जाना, हाँ यानी जो अपना एरिया है भाई साहब, हाँ। दूर दूर तक आप देख सकते हो जी, देखिए काफी शानदार मेहनत तरफ हरियाली हरियाली पशुधन भाई साहब, फिर अपने यहाँ घूमने फिरने चारों तरफ, हाँ ये 5 किलो लाइव का स्पेशल छोड़ दिया, हाँ, राम कौन बाकी फोन बहुत और कड़ा ईमानदार से बताऊ कि मैं कौन जाना ने, ठीक है जी, कोई नयो कर भाई टॉनिक पॉनिक कड़ा फोन बहुत आ जाए भाई, नु कहेगा 28 किलो दूध दे दे है तो बोस्टिंग ला दे 38 पे चली जागी माँ, ये बोस्टिंग वाला फिर कड़े जाऊंगा भाई, इस ताक नाड़ी इतना है भाई, हाँ जी किसे भाई न्यू के दिन ये सदो खुवा दे, हाँ जी भाई वाण की जिम्मेवारी है बाकी भैंस जानर वो सदो जान खुवा जाऊंगा, यानी भैंस को अगर कोई भाई बोलेगी हाँ ये सामान को, हाँ बता दिन किसे भाई ने प्यारा आदमी ने चौटाला ने खुवा दे, हाँ जी भाई खुवा दियो भाई 5-5 किलो मेथी भी छूट दिया, बिल्कुल भाई साहब, फिर भैंस मरक जी वही बात की कोई बात, यानी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल भाई साहब सुनो दुखी करके, तो बिल्कुल भाई साहब, तो देखिए काफी अच्छी बात भाई ने बताई कि जो दूध के मामले में काफी अच्छा करना और खुआने पियाने में भी भाई, अरे भैया भैंस तो इसी में से कड़ा, हाँ जी भाई साहब इसने तो काट लिया मनु लिया कटड़ा नहीं कटड़ा कौन दे रही भाई कटड़ा की बात से अरीब का भी कड़ा वीडियो में बताऊं भाई कोई आके देख लियो कटड़ा नहीं लाओगी कटड़ी ले आओगी कटड़ी ही लेगा हाँ कटड़ी और कटड़ी ये ले आऊंगी सभी हाँ यानी सभी पूरा करना है जो कटड़ी के साथ यो अपने जिम्मेदार के लिए नुकसान है अगर ये भैंस काट दो जान देने बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बहुत बल हो जाओ यानी नस्ल सुधार पे हाँ नस्ल सुधार नहीं मतलब ओरिजिनल 25 किलो की दूध मतलब रूटीन को दूध है बिल्कुल भाई साहब तो कटड़ा की तो डिमांड भाई साहब आपकी इसीलिए है कि जो नस्ल सुधार पे कुछ काम करिया जावे एक भैंस है जो उससे कटड़ी आवे तो कटड़ी तो आवे 15-20 ले लिया लेकिन कटड़े से तो हजारों की संख्या में सीमन तैयार करके भाई साहब बच्चे ले इसका पे कड़ा युवराज अर्जुन पूरी इंडिया में फैल रहे बिल्कुल भाई साहब आज न्यू कह दिया ना अर्जुन को रिजल्ट को नहीं फलाण को नहीं मेरे ख्याल में कोई घर को बच रहे जिसमें अर्जुन और युवराज ना घुस रहा हूँ अर्जुन और युवराज का हाँ। काफी ज्यादा चले थे भाई साहब देखो क्या थोड़ा चल गया था अज से ज्यादा हाँ। ट्रेंडिंग में क्या हो गया ये बिकना रह गया ना जिदा चल डिबी में जा हाँ जी भाई नाम ले दे
बिल्कुल भाई। लेकिन कौन खुराक उनका HLDB भाई ज्यादा चल रही है। HLDB कलर नहीं, ये तो आज तो 4 साल पहले जो बच्चा था भैंस थी, ये तो HLDB पे ध्यान उल्टो के लोगों अर्जुन रिवरा था भाई, ना बिकन लगे ना जिधर HLDB बता लोगों ने बेचे खूब से। बिल्कुल भाई साहब, तो देखिए काफी अच्छी जो जानकारी भाई ने दी, वहां पर मां बदलदा बारह को लाऊ। बिल्कुल भाई साहब, तो वो तो भाई साहब रियलिटी बताने का फायदा है, क्योंकि अपने हिसाब से कोई और भाई भी नहीं, ये तो रोज रोज वीडियो देखा। हाँ जी, 10वें दिन पड़गम पाट जाएगी, या उसकी कौन थी या उसकी थी। बिल्कुल भाई, लोगों का फिर बूंदा मुंह करवा दी थोड़ा सच्चाई तो बोलने को हिसाब से। और पशुपालक भाई हो क्या सलाह देना चाहोगे? भाई सलाह ये दूं, देखो मेरी बात सुनो, रपियो दिल्ली आनी जानी चीज है। बिल्कुल भाई, आदमी ने आपको जमीर नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल सच्ची बताई, भैंस बेचो। हाँ जी, भैंस एक बार बेच लोगा झूठ सच बोलेगी, ठीक है जी, दूसरी फिर दूध रोक लियो के फायदो उसमें। बिल्कुल भाई साहब, यानी जो भी जो भी सच्ची और सच्चाई के कारण 1 करोड़ का फूक मार रखी है। बिल्कुल भाई साहब, अरे बंद करा के 6 साल होगी भैंसा गरीब कौन था, अभी बपार बपूर का जो जकरो कौन करू भैंस बंद ना ना, मतलब दुनिया भर का फोन आओ चोटा लाख कट्टी दिवा दे कट्ट दिवा दे भाई, ले लो भाई दुनिया भरी पड़ी कटड़ी कटड़ी, यानी अपन दीवाना बंद ना ना, आप कोई मतलब अब किसी को कोई पशु नहीं, भरोसा को नहीं पड़ोसी को भी, यो काम छोटे पास इतनी खड़ी होगी कला बार को छोटे पास, यानी अगर क्या पशुधन तैयार करने का तभी मजा बाहर का छोड़ देना नो पड़या कर दो यार काम हमें। बिल्कुल भाई साहब, कड़ा गणी नहीं ने तो 2000 भैंस 20-20 किलो के हाथों में कट रखी आपने भाई साहब। हाँ, और ये बोल दे कि 20 किलो की दुनिया ना ना 2000 भैंस दीवार रखी भाई, ये तई और कदे कोई आन की चोटा लगना हरियाणा में कोई आदमी नहीं उठा ले 500 रुपये लिया चोटा लगन, यानी फ्री सेवा थी, फ्री सेवा सिकन खतर मन ने सिक्यो। बिल्कुल, मैं क्यों अंडे दो गाड़ी मेरे को मोटरसाइकिल साधन सुधन चाल दो, कोई व्यापारी आ जाए उससे गाड़ी पड़ लेंगे, यानी अपना सीखने के न्यू देखने खातर या भैंस इस बंदे ने कैर पी दी, यानी कुछ ना कुछ सीखे भाई, सीख क्यों खूब भाई घूम फिर के कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो देखिए काफी अच्छी आराज और कला भाई, बड़ो मेलो आवा हगे नु मान ले अपनी 3 महीना में ब्याज आएगी भाई, न्यू के दे छोटी छोटी कटड़ियां के लेउटी दिखाओ दुनिया में, जो कोई आदमी को जो कार्डिन देख के न्यू बता दे क्या कर गया, कितना दूध देगी, कितना दूध देगी, कुछ नहीं बेरो क्या कह के जान दिया। बिल्कुल भाई साहब, ये है सब कर्मा करोड़ा। बिल्कुल भाई, और कड़ाई बनू मान ले 3 महीना और 4 महीना रह गया मैं इसका, इस भाई को तो बेरो को के क्रम तेज। हां जी भाई साहब, इसका किसी भाई साहब जो कटड़ी ले आवे, कटड़ी भी लाऊं से और दूध भी न्यू निकल करता हूं ना भाई, यानी दूध में भी अच्छी है और कटड़ियों में। तो देखिए काफी अच्छी भाई ने जानकारी दी है, साथ दे रहे भाई, तो देखिए कर्म के साथ भी ना तो भाई साहब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए काफी अच्छी, तो कल्लू भाई साहब क्या बता रहे थे आप भाई, इसने भी देखा था मैं चल डिब्बी में इस बाग से थी। हाँ जी भाई, ठीक है भाई साहब, भाई भी अटेक कौन रही। बिल्कुल भाई, 22 किलो दूध तोड़ के ले गया घर या पावसी को हॉस्पिटल में, यानी मिली नहीं वहाँ पे, ठीक है भाई साहब। और इतना नाम दाम सब क्यों से इसने मैं करवा दी गट्टा पट्टी करती। बिल्कुल भाई, ठीक है, लेकिन गलत काम नहीं, हम उल्टी दिया यानी गलत, आप ही तो नाट गया था भाई, मैंने कोई मजाक नहीं। बिल्कुल भाई साहब, ना एक टाइम गोली सवाल गई बहुत सारी जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये काम करे आप, यानी गलत नहीं जो भी अपना सच्चाई सच्चाई। बिल्कुल देखिए काफी अच्छी भाई ने बात बताई है कि जो मिली नहीं फिर भी भाई ने लगाने से मना कर दिया, तो क्या बताया कल्लू भाई साहब, कल्लू भाई 3.5 महीने रह गए 6.5 की होगी। बिल्कुल भाई, ये बाग बड़ा मेला हुआ है, ई HLDB वाला तो सिस्टम छोड़ दिया, यानी भाई साहब। हाँ, एक तो यार बिरानी तो ही नाम लिया हुआ है। हाँ जी भाई, कोनी बिल्कुल, एक घर का आपका खुद की चीज हो तड़का उकचुक हो जाना है। हाँ जी भाई साहब, तो समस्या को नहीं आवा। बिल्कुल भाई, कोई भाई का खाम खा डांगर का गड़बड़ हो जा कोनी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब की बार किसी मेले में भाई साहब लेके जाओगे फिर? हाँ, ईब कितने का मेला आ जियो भाई, मैं बंदी है ईब का मेला है की तैयारी है, मेले में भी लेके जाओगे? हाँ पक्की ले जाऊंगा भाई, कोई टाले नहीं। तो देखिए मेले का भी भाई ने अब की बार बोल दिया कि जो भैंस है, ये भैंस आप देख सकते हो, देखिए काफी ठंडे शांत स्वभाव के साथ, इस भैंस को भाई मेले में भी लेके जाएंगे। तो भाई साहब एक बार और वीडियो के लास्ट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताओ अगर कोई भाई साहब। भाई 83075। हाँ जी भाई साहब, 39464 भाई, ठीक है भाई साहब। तो देखिए जो कल्लू भाई जो इसे काफी शानदार पशुधन, देखिए एक ही भैंस से काफी ज्यादा और काफी अच्छा भाई ने खरना तैयार किया, आप देख सकते हो। कोई जमींदार भाई लेगा? हाँ जी भाई साहब, उसने किम भाई इन ब्रीडर सस्ती दूंगा, या भी कहूं आम पशुपालक भाई अगर रखने के लिए लेने। हाँ, बड़ी कीमत नहीं तो देगा ना, उनमें भी ठीक दूंगा, नू ना सोचियो भाई अड़ेगा। बिल्कुल देखिए भाई ने जो आम पशुपालक कोई घरेलू भाई रखने के लिए आए तो उसके लिए बोल दिया कि
कुछ जायज भाव में भाई देंगे। अरे कड़ा एक और बात बताऊं कि देखो इन्हू सोच दिया कहीं और ही देंदा हो गणा है लंबा चौड़ा खेत है और बना लूंगा। बिल्कुल देखो नहीं भाई देवे को नहीं कारण भाई साहब फिर कारण वो है भाई साहब आज भी लेने तैयार आप भैंस ले लोगे मेहनत ही देखो नहीं बिल्कुल वरना मैं ले हूं भैंस जो भाई को नाम से भैंस का नाम हो सर बिल्कुल भाई साहब ये छोटन दी गाड़ी कोन के हां जी भाई साहब रीज की मर गयो गाड़ी ये कई भैया फोन चटल्ला कलो तो एक पड़ी दीवा दी मैं देखो नहीं भाई मन्ने कोन दे और अब की बार वीडियो में बोल रहे भाई साहब दे देंगे इन इसका ये या जट हैं तीन जने हां जी भाई साहब या अरवे को खार के ब्याह होगी ना हां जी भाई उनके बीच की काटड़ी थे ठीक है भाई साहब मैं को कर लूं मैं मेरे देना को नहीं भैंस दे दे जट्टी दे दे ठीक है भाई साहब नहीं दे दूं हां मेरे लिए ठीक है जी 20 दिन सूखा पक्का बैठा रहा गौशाला में दूध ले ठीक है जी फिर एक दिन बुझी मैं भाई गां ले आऊं के भैंस दे है बिल्कुल मेरे गां लिया यानी दी नहीं 10 दिन पछ जट्टी बेच दी तो अब वीडियो में भी बोल रहे भाई साहब कोई भी कटड़ी ले या भैंस ले दो आप ही कोई जिम्मेवार इस वजह से नहीं भाई साहब सांग छोड़ दियो भाई साहब बिल्कुल भाई साहब इस तो बात कर ले भाई सीधा इसी से बात कर ले कदे को मन नहीं भाई का नंबर साथ में चले हुआ है कोई भी पशुधन लेना तो देखिए काफी ठंडे सात स्वभाव के साथ सभी पशुधन दूध की भाई गांव का ही अपना वो अंकल है मेरो हां जी भाई साहब ये अपना भाई बिल्कुल हां तसल्ली कर लियो कोई दिक्कत को नहीं और भाईयत कर लियो तो देखिए वो देखिए भाई ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि इस भैंस का जो बड़ी भैंस का दूध है भाई ने निकाल लिया काफी अच्छी जानकारी दो जी सरू माजे वाला चैनल पर वो करवाई थी इसकी मिल्किंग हां जी भाई जिसमें ने मेरा हाथी काटे तो आपने और भाई उड़ा हॉस्पिटल में मिल्किंग कराई जिद भी काटे तो उसमें भी आपने निकाल लिया मैंने खुद ने काटे तो देखिए जो वाला चाहे 50 आदमी बैठ जाओ पौसी पास कोई दिक्कत नहीं है ऊंट ऊंट की बदली जाओ कोई आंट कौन तो देखिए ऐसे ही ठंडे सांस सुबह वो आप वीडियो में क्लियर देख भी रहे होगे तो देखिए दुधारू भैंस ये जो आराम से अपने और भाई कोई नहीं कहो भाई झूठ बोल रहा है दूध कौन काटे तो भाई यार जो वीडियो बनी थी उसमें देख लिए और भाई हॉस्पिटल में काटे तो पूरे बिचारे तसल्ली कर लियो भाई मैंने मेरा हाथी काटे तो भाई साहब देखिए काफ़ी अच्छी जो भाई ने दूध किया तो भाई साहब दबी भाई ने बोले कि अब की बार कहीं ना कहीं मेरे बेबी लेके जाएंगे अच्छे ही रही तो देखिए काफ़ी शानदार पशुधन भाई ने जो अपने एक ऐसी ब्रीड भाई ने तैयार करके और फिर उसी में से देखिए काफ़ी सुनहरा मौका है किसी भी भाई को अगर पे ब्रीडिंग लाएगा या किसी से पशुधन खरीदने हैं तो भाई से संपर्क कर सकता है और पशुधन भाई के कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपसे भाई होगा धन्यवाद।